अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा अपना होस्ट बाबा जी और तुसी देख रहे हो खोरे सच संताली दे बिटर ट्रुथ्स ऑफ 1947 और आर्काइव 47 दे हवाले दे नाल एक बारी फिर मैं खोरे सच लैके तुहाड़े नाल हाजिर होया वां। मैं पहुंचया वां बिल्कुल गुरदासपुर दे बार्डर ते नारोवाल वाली साइड तो। अगर तुसी आंदे हो बस्तान अफगाना तो घट्टो घट कोई 3.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दे फासले दे उत्ते तुसी देखो ते एक पिंड जड़ा के गुरु रामदास जी के नाम के उत्ते आबाद किया गया सी, जिथे संगतां दा डेरा भी हुंदा सी और इत्थे संगतां बड़ियां स्ट्रोंग हुंदियां सन। लेकिन पंजाब दी वण ने और संताली ने बड़ा कुछ लोगों कोलों लै लिया और बड़ा कुछ खो लिया और कुछ लोग कखों लख और कुछ लोग लखों कख हो गए। तो उस ही हवाले दे नाल मैं अज इत्थे पहुंचया वां यह प्रोग्राम करन वास्ते। हमेशा की तरह नॉट प्री प्लैन, नॉट एनी मतलब कि प्लैंड कोई चीज़ भी नहीं है, बस सरे राह चलते चलते कोई ना कोई बुजुर्ग मैनू ऐसे मिल जाते हैं जिन्हां दे खोरे सच सामने लैके मैं आना वा। तुहाड़ा की इसम शरीफ है, नाम की है तुहाड़ा? शरीफ शरीफ मेरा नाम। अच्छा, तुहाड़ा नाम शरीफ है, पिंड दा नाम दसो अपना। हाँ जी, पिंड दा नाम की है तुहाड़ा? पिंड हाँ जी, पुराना पुराना पिंड हरिमाबाद जी साडा। की नाम? हरिमाबाद जी। रहीमाबाद जी, गुरदासपुर जिला दे विच। और लागे केड़ी जगह सी, स्टेशन केड़ा पैंदा सी? स्टेशन हाँ जी, स्टेशन उतो गड़ी गुड़ी से कोई नहीं चलती। हाँ जी, लागे तुसी फिर किस तरह आए हो? तो हरिमाबाद दे लागे करन ओ दे लागे तेरा पिंड पठाणा दा पिंड। हाँ जी, को घूम साडे पिंड दे विच। जी जी, हर एक घूम साडे पिंड। हाँ जी, साडी जमीन है जी इथे। तुहाडी किन्नी जमीन सी उथे? साडी इथे 5 कमां सी। 5 कमां जमीन सी? ठीक है जी। 5 कमां ते उथे जी जी 5 किले। 5 किले 5 वेताए पुत्ते जी। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन करदा जावांगा जी। अच्छा, तुसी जदों उत्थों आए हो टुर के आए हो इधर, जदों तुसी टुर के आए हो इधर ते उदों की हाल सी इत्थे, की हाल सी पिंड दा? किन्ने घर सी उस वेले जदो तुसी आए हो? देखे सब कठे हो गए उत्थे रात कटी आ पिछले पिंडी मामा रिजल चले मन ला डेरे आ गए, डेरे जान के हथ पत्ता खो जा ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਬਾ ਦਬਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਉਤਰਿਆ ਦਬਾ ਗਾਂ ਛਿੜਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
असें के पुल बंद है साढ़े बचड़का नहीं कोई गल नहीं तोड़ते न तोड़ते साढ़े कुछ है वा अं तोड़ दे लंघ जाएंगे गांव बस इस कबूए खुदा ही पुल तो दुनिया फिर लगी बढ़ने गए सिखा लट रही आई है इधर गड्डी गड्डी गई है उत्तर तोपा फिर गई जो मसला कोई गल नहीं तो हाँ जिसे सारा बंदे तुम कह रहे इतना तारक देख लो बड़ी मजे की गल है दस रहे हैं कि गुरदासपुर तो जो अपने पिंड तो उजड़ के इतने इस पास आए ने सिख मिलटरी ने इन्हों दफा दिता और सिख मुस्लिम एकता के तहत जोड़े ने इन्होंने उतों बॉर्डर पार करके तो इस पास आ गए और पुल क्रॉस किया और रस्ते दे विच जिहड़ी है सेवा संभाल जिहड़ी सी वह संगतों के कोल ही सी सिख मिलटरी कोल सी तो फिर जो तुम इतने पहुँचे तुम पार आ गए तो तुम्हें रकबे उन्होंने कहा कि आखिर कहते सर ना कि तुम फलानी जगह जाके बह जाओ फलानी जगह जाके बह जाओ तो उन्होंने कहा कि कितने जाके बवो कि भी आखिर सर इतने फिरते फिरते खजल होते बाहर चल गए इतना खजल होते इतने आ गए इतने आ गए बार बार ठीक है रहे हैं नुकसान होया सन भावे इधर सन ना बिहारीए ना आसामीए ना नागालैंड ना तिरापुरीए कोई भी किसी होर का नुकसान नहीं होया सारा तो पंजाब का ही होया ना बन तो पंजाब नूं वजा या कश्मीर नूं वजा दो रकबे लैदा होए की तुसी अपने अंदर की महसूस करते हो यह जी वंड है पंजाब की जी वंड हुई है पंजाब के सीने ते लीक वजी है ना तो पंजाबियों ही उधरों पुट के इधर सुटे इधरों पंजाबी पुट के उस पास सुटे अज भी अपनी मिट्टी याद आती है कुछ लोग कहते ने आजादी आराम ना मिल गई कुछ लोग कहते ने कि कुछ भी नहीं होया आजादी एवे पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान सौखा बनिया औखा बनिया के सौखा बनिया बड़े दुख से जो उधर आए तो असीं देखिया बड़ी तादाद लोग जिहड़े सी ना गिनती नहीं सी हुंदी इन्ने लोग मारे गए रस्ते च सड़कां दे किनारे दरिया दे किनारे तुसीं भी कुछ देखिया इस तरह दा रस्ते तुसीं जिस रस्ते आए हो वह रस्ता साफ सी उत्थे कोई मार कटाई नहीं हुई किन्ने जान मारी होगी कम कोई नहीं होता पुत्र ने पांच एक बाह लिया तीन तीन जने चार जने कारोबार दिहाड़ी कर दे रहे पुट्टे रुख कदी भी नहीं लगते पुट्टे रुख पंजाब के जिहड़े ने दोवां पासे जिथों जिथों किसी ने पुट के सुटिया गया अज तक उन्हां दीआं यादां जिहड़ीआं ने बरकरार ने और वो लोग जिहड़े ने अपनी मिट्टी नूं अज भी याद करदे ने इत्थों असीं पैदल गए तुर के चरके पै गए दोवें प्यो पोते जी बगले रातां रहिंदे गए मज साडे कोल ते भुक्ख सिआए कोई चीज दाल रोटी खाण चूड़ खाने गए आ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਗਾਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁਗਲ ਪਾਉਣੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਗੱਪ ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ
ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਤਾਂ ਵੱਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਸਟ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਰਾਈਟ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਏ ਔਰ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖੋਰੇ ਸੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ।